खनियाधाना नगर परिषद का प्रथम जनसंवाद कार्यक्रम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न। भाजपा मैंडेट पर जनता द्वारा चुने हुए 7 पार्षद रहे। कार्यक्रम से नदारत मध्य प्रदेश में संपन्न त्रिस्तरीय निकाय चुनाव के बाद विजय पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष खनियाधाना द्वारा आज प्रथम जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन खनियाधाना के सभागार मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें उपस्थित 8 विजय पार्षदों ने शपथ लेकर नगर हित में कार्य करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और 7 भाजपा दल के पार्षद कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री व वर्तमान पिछोर विधायक केपी सिंह काजू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों व पार्षदों का माल्यार्पण पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में खनियाधाना के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती छाया साहू द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि काजू के मार्गदर्शन में नगर के विकास हेतु अपना संकल्प पत्र पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। उनके पश्चात निर्वाचित नगर परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती राधा चौहान द्वारा नगर की प्रगति हेतु विकास मॉडल पत्र लोगों के समक्ष रखा और काजू व परिषद के सहयोग का आह्वान किया। इनके सम्मान को ठेस न पहुंचे, काम धाम तो होता रहेगा, पास पैसा जितना हो उतना काम हो, इनके वार्डों का ख्याल रखना और शहर में जहां भी जैसी इनकी बात का अपने लोगों का सम्मान रखना ही है, लेकिन इनका विशेष सम्मान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो भविष्य में फिर कोई आदमी अपना घर नहीं छोड़ेगा। एक शेर है हमारे इनके मियां लोग कहते हैं कि घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर न मिलेगा, और बीती हुई बातों का कहीं मंजर न मिलेगा। अब बीती हुई बातें तो बंदी छोड़ आए, अब वो घर छोड़ के न जाओ कहीं घर न मिलेगा। अगर घर न मिल पाया तो वास्तव में इन्हें पछताना पड़ेगा कि हम गलत जगह पहुंच गए, और नहीं ये कल कह सकते हैं कि वो धूप ही अच्छी थी छांव घनेरी से, वो जी को जलाती थी ये तो मन को जलाती है, तो इनका मन कहीं से अप्रसन्न ना हो, भावना हो कहीं ठेस न पहुंचे, ये हमारे सब लोगों की जवाबदारी है और ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस जवाबदारी को ये परिषद ठीक से निभाएगी। रही बात मेरी, आप काम करोगे आपके काम की प्रशंसा होगी, जनमानस में समर्थन बनेगा, मेरा तो वही सब कुछ है, लेकिन जिन्होंने साथ दिया है उनको कभी न भूले, ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा को निर्वाह करने की आज आवश्यकता है। ये संवाद आज हो रहा है, यहाँ हमारी अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय ने कुछ बातें यहां रखी, बहुत सारे पार्षद यहां, क्योंकि लंबी बात हो जाती, महिलाएं लगभग 11 हैं, कितनी है अपनी 7 बहुमत महिलाओं का है, और महिलाओं का ही आगे जमाना है, अब पुरुष लोग सावधान हो जाओ, आगे पीछे घर चौखट चूल्हा तो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये परिवर्तन होता है, ये सर्किल है। अगर इतिहास की तरफ जाओगे तो किसकी जमाने में जिन्हें पढ़ा लिखा हो वो याद करो कि मात्र सत्तात्मक परिवार होते थे, माता की सत्ता चलती थी, पिता की सत्ता नहीं चलती थी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ, सदियों बीत गई और आज पुरुष प्रधान समाज की वजह से पितृत्वात्मक सत्तात्मक परिवार है, पिता के सत्ता चलती है, लेकिन ये सर्किल घूमेगा और भविष्य में पता नहीं वो कब आएगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आगे माता की सत्ता फिर घर में होगी, तो इस बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए और इनको पूरा काम करने का अवसर भी देना चाहिए। और इस देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि महिलाओं ने जो उठाना है वो इस देश में हो गया, इंदिरा जी का उदाहरण देख लो आप, अभी ममता बनर्जी बंगाल में ऐसी सरकार को जिसके बारे में लोग कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी तो कहीं काम, लेकिन परिणाम जब आया जनता का तो लगा
कि वास्तव में काम से कुछ होता है। तो ये महिलाओं को काम करने का अवसर हमें देना चाहिए। और ये जनसंवाद आज जो हो रहा है, जो बातें हमने यहाँ की, एक साल बाद और हर साल एक संवाद, चाहे वो किसी जगह हो, एक साल में आपने क्या किया ये